स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकोलन प्रिडिक्शन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं GUYVS BR मतलब गुआना अमेजोन वॉरियर्स और बारबाडोस रॉयल्स के बीच में CPL का मैच नंबर 31 या फिर कह सकते हैं क्वालिफायर का यह मुकाबला खेला जाएगा। इसके बारे में दोनों टीमों की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या कुछ पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, वीडियो में फुल डिस्कस किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले एक ही बात कहता हूं, आप लोगों को मालूम है प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। टेलीग्राम पे अगर आप लोग हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप लोग प्लीज यहां पे आ जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिंक होगा, लिंक के थ्रू यहां पे आ सकते हो। आप देखो किसी रीजन से अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो Cricket2580 भी लिखकर आप लोग मुझको सर्च करके भी यहां पे आ सकते हो। बाकी सब्सक्राइबर देखकर प्लीज मुझको जज मत करना, ये मेरा सेकेंड चैनल है। इससे पहले भी एक मेरा चैनल था जहां पे 1 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर हुआ करते थे, जो कि ठंडी में जब बिग बैश लीग चल रहा था तो कुछ स्ट्राइक इशू की वजह से डिलीट कर दिया गया था। तो होप आप लोग इस चैनल पे भी उतना ही सपोर्ट दोगे और हम लोग फिर से कह सकते हो IPL तक 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस साल तक प्लीज यार आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा 10,000 सब्सक्राइबर कम से कम करवा दो। बाकी मैं खुद भी दोस्तों 6 सालों से ड्रीम इलेवन खेलता हूं, तो कम से कम 4-5 मुकाबले आप मेरी टीम से खेल के देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी यहां पर जुड़िएगा तो आप लोगों को टॉस के बाद फर्दर अपडेट, फाइनल टीम, अपडेटेड टीम, प्लस आप लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी न्यूज वगैरह रहती है तो मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। तो आप लोग होप यहां पे जरूर आ जाना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों मुकाबले की यहां से, तो यहाँ पे 31 मैच या फिर कह सकते क्वालिफायर का मुकाबला खेला जाएगा। 27 सितंबर 7:30 पे शाम को अपने भारत टाइम अनुसार यह मुकाबला होगा। वेन्यू बताता चलूं आप लोगों को तो प्रोविडियंस स्टेडियम का ये ग्राउंड रहने वाला है। पिच रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ कहती है, तो यहाँ पे देखिए पिच जो है ना दोस्तों बैटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाली है, ठीक है। मतलब बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर कर सकते हैं और जो कि थोड़ा सा स्लो जो मतलब पिच स्लो रहने वाली, ऐसे भी स्पिनर काफ़ी बेहतर आप लोगों को करते हुए दिख सकते हैं और बैट्समैन यहां पे थोड़ा सा अच्छा तब करेंगे जब वो स्टार्टिंग में मतलब पावर प्ले में जब फ्रेश रहेगी विकेट, तो हो सकता है बैट्समैन यहां पे पावर प्ले का इस्तेमाल करके रन बना दें, ठीक है। बाकी बैट्समैन के लिए कह सकते हो ज़्यादा कुछ मदद है नहीं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड की, तो देखिएगा टोटल 21 मुकाबले दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे के खिलाफ खेला है। गुआना अमेजोन वॉरियर्स ने 14, वहीं बारबाडोस रॉयल्स की टीम ने 7 मुकाबले को वन किया है। अब बात करते हैं इस ग्राउंड पे जब जब T20 होता है तो क्या कुछ होता है, तो देखिएगा 39 मुकाबले टोटल खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 15, वहीं यहाँ पे चेस करने वाली टीम ने 22 मुकाबले को वन किया है। चेजिंग करना थोड़ा सा आसान होता है, एक मुकाबला टाई हुआ है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 141 रन है, हाईएस्ट स्कोर जो कि गुआना अमेजोन वॉरियर्स का है 218 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और लोएस्ट स्कोर जमैका ट्राइबर्स का है जो कि 79 रन महज बना के ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है, तो देखिएगा 150 से ज्यादा 21 बार दोस्तों स्कोर बना है, सबसे ज्यादा स्कोर यही बना है। बाकी 150 से 170 के बीच में 9 बार, 170 से 190 के बीच में 5 बार, 190 से ज्यादा 3 बार, तो देखिएगा सबसे कम यहां पे स्कोर 190 से ज्यादा बना है। यहां पे देखिएगा सबसे ज्यादा स्कोर 150 से ज्यादा बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को 140 से 160 मान के चल सकते हैं, क्योंकि देखते रहिए आप लोग स्कोरिंग पैटर्न, जहाँ जैसे जैसे स्कोर बड़ा हो रहा है यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न घटते जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पे गुआना अमेजोन वॉरियर्स की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है विथ रिसेंट स्कोर कार्ड के साथ, तो चंद्रपाउल हेमराज के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि आप लोग खुद भी आराम से इसको समझ सकते हो खाली टाइम में। बाकी चंद्रपाउल हेमराज का बताओ तो यहाँ देखिएगा कह सकते हो स्टार्टिंग के मुकाबले अच्छे गए थे, उसके बाद थोड़ा सा लय अपना खो चुके हैं और मेन बात है इनके साथ कि थोड़ा सा बॉलिंग से भी बैकअप दे देते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में ये बॉलिंग भी नहीं करना है थे। बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो ठीक ठाक है, एवरेज मान के चल सकते हो। रहमानुल्लाह गुरबाज ये बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं स्टार्टिंग के मुकाबले खेले नहीं थे ये, क्योंकि एशिया कप में ये बिजी थे, बाकी आते ही देख सकते हो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे थे। शाई होप की बात करते हैं तो इनका आप लोग रिसेंट परफॉर्मेंस यहां से देख सकते हो, ये भी ठीक ठाक खिलाड़ी, मैं हमेशा से इनके बारे में कहता हूं बहुत बड़ा स्कोर नहीं करेंगे लेकिन आप लोगों को आराम से 25 से 30 रन का स्कोर करके दे सकते हैं। शाकिब अल हसन दोस्तों जब से आए हैं मतलब कह सकते हो CPL में कहर बरपा दिए, आप लोग देख सकते हो बैटिंग बॉलिंग कहीं ना कहीं से ये पॉइंट दे ही देंगे। सिमरन हेटमायर टीम के कैप्टन है, देख सकते हो पिछले मुकाबले में महज 10 का स्कोर कर पाए थे, बाकी इनको स्टार्टिंग मिलता है अब बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस साल एक भी 50 या नहीं लगा पाए हैं, आप लोग खुद भी यहां से इनका स्कोर देख सकते हो। रोमारियो शेफर्ड दोस्तों पिछले मुकाबले में 3 विकेट इन्होंने निकाला था, बाकी बहुत अच्छी बात यह है कि टीम ने इनसे अच्छी खासी बॉलिंग करवाई थी। अब उससे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा गिरा था क्योंकि टीम इनको सही से यूज नहीं कर रही थी, बाकी उससे पहले का परफॉर्मेंस इनका काफी बेहतर था।
बात करते हैं यहां से, देखिए नीचे से ओडेन स्मिथ की, तो दो विकेट पिछले मुकाबले में इनको भी मिला था। बाकी कीमो पॉल 12 रन प्लस बॉलिंग से दो विकेट इनको भी मिला था। जूनियर सिंक्लेयर ना ही बैटिंग किए थे ना ही बॉलिंग किए थे, एज अ बॉलर खेलते हैं तो बॉलिंग इनको मिली नहीं थे। इसी वजह से दोस्तों कह रहा हूं सीपीएल काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मुकाबला हो रहा है इस बार। देख सकते हो प्रमुख बॉलर जो है उसको बॉलिंग ही नहीं मिली, तो ऐसे में आप और मैं क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। गुदकेंस मोटी की बात करते हैं तो विकेट इनको नहीं मिला था, ये बॉलिंग किए थे। इमरान ताहिर दोस्तों यहाँ पे सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कह सकते हैं इमरान ताहिर का है। मैं बार बार कहता हूँ अगर 10 खिलाड़ी आप लोग ले लेते हो, 11वां खिलाड़ी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से आप लोग इमरान ताहिर को उठा लो, एक विकेट कम से कम आप लोगों को दे ही देंगे। अभी तक देखिए कोई भी ऐसा मुकाबला नहीं गया है जहाँ पर ये विकेट लेस गए हो, ठीक है। यहाँ से इनके तरफ से बात कर दो ओपन डेथ बॉलर की, तो देखिए जूनियर सिंक्लेयर पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं किए थे लेकिन ये बॉलिंग करेंगे इस मुकाबले में, ठीक है। अब बॉलर खेल रहे हैं भाई, इनके पास ये एज अ बॉलर खेल रहे हैं तो बॉलिंग क्यों नहीं करेंगे, बॉलिंग करवाना चाहिए, या तो फिर इनको प्लेइंग 11 में मत खिलाइए। आप 10 ही खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं तो किसी और को खिला लीजिए। तो ऐसे में देखिए इनके तरफ से ओपन में आप लोग मान के चल सकते हैं जूनियर सिंक्लेयर के साथ रोमारियो शेफर्ड को, वही डेथ में आप लोग ओडेन स्मिथ रोमारियो शेफर्ड को मान के चल सकते हो, खिलाड़ी जो कि बेंच पे गए, इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो। अब जितने साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये लोग तो नहीं खेलने वाले हैं बिकॉज इंडिया आए हैं वो लोग सारे T20 खेल रहे हैं। बाकी बॉलिंग इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो आप लोग यहां से देख सकते हो जो कि अच्छी खासी ओवर कर सकते हैं, शाकिब अल हसन, गुदकेंस मोती, इमरान ताहिर को आप लोग मान के चल सकते हो। बाकी देखिए रोमारियो शेफर्ड ने पिछले मुकाबले में 3 ओवर की बॉलिंग की थी, बाकी ओडेन स्मिथ ने 4 ओवर की बॉलिंग की थी, लेकिन यही 3-4 बॉलर हैं, बाकी और सब हो सकता है एक आध ओवर कटेगा तो हेमराज फेंक सकते हैं, ठीक है। जो कि हेमराज देख सकते हो पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं फेंके थे, उससे पहले ये बॉलिंग कर रहे थे। बाकी जूनियर सिंक्लेयर भी देखिए पिछले मुकाबले में इनका ओवर कट गया था, तो आप लोग यहां से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं दूसरी जो कि बारबाडोस रॉयल्स की टीम होने वाली, इनके तरफ से क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है, तो यहां से देखिए रकीम कॉर्नवाल बहुत ही भारी भरकम खिलाड़ी, इनके साथ ओपनिंग करने आएंगे कप्तान काइल मेयर्स। इससे पहले कप्तानी कर रहे थे डेविड मिलर, लेकिन T20 सीरीज में अब वो भारत आ चुके हैं तो कप्तानी काइल मेयर्स को दे दी गई है। रकीम कॉर्नवाल देखिए पिछले मुकाबले में महज 2 रनों का ही स्कोर कर पाए थे, बाकी बॉलिंग भी नहीं किए थे पिछले मुकाबले में, उससे पहले बॉलिंग भी कर रहे थे विकेट भी निकाल रहे थे, तो ऐसे में देखिए अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। काइल मेयर्स की बात करते हैं तो पिछले कह सकते हो मतलब 3-4 मुकाबले से इनका काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस लो हो गया, आप लोग खुद देख सकते हो। बाकी कंपेयर कर सकते हो स्टार्टिंग के मुकाबले में इनका कितना बेहतर परफॉर्मेंस था, बाकी पिछले मुकाबले में विकेट निकाले थे बॉलिंग से 1 विकेट, बाकी बॉलिंग कर रहे हैं तो अच्छे खिलाड़ी रहने वाले हैं। हैरी टेक्टर का परफॉर्मेंस देख सकते हो, मात्र 5 रनों का स्कोर कर पाए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मुकाबले में ये 10 में से आपको 7 मुकाबले में ये मिडिल ऑर्डर में रन करके देंगे। आजम खान की बात करते हैं, 20 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। नजबुल्ला जादरान जो कि पिछले मुकाबले में खेले थे और इनका खाता तक नहीं खुल पाया था। जैसन होल्डर, इनका ड्रीम IPL जा रहा है, आप लोग यहां से परफॉर्मेंस देख सकते हो कितना बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस यहां से आया, हर मुकाबले में परफॉर्मेंस करके दे रहा है बंदा। डिवन थॉमस की बात करते हैं, पिछले मुकाबले में ये खेले थे और 6 रन का स्कोर किए थे। बाकी जोशुआ बिशप की बात करते हैं, आई थिंक टीम इनको बाहर कर सकती है, परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ से देख सकते हो रिसेंट फॉर्म आप इनका। मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, 15 रन प्लस बॉलिंग से 1 विकेट पिछले मुकाबले में इनको मिला था। वहीं ओबेड मोकोई की बात करते हैं तो कह सकते हो अभी तक CPL में आई थिंक अब ये हाइएस्ट विकेट टेकर के लिस्ट में आ चुके हैं। बाकी पिछले मुकाबले में 10 रन प्लस बॉलिंग से 2 विकेट इनको मिला था। अलजारी जोसेफ, ओबेड मकोई और मोहम्मद आमिर, ये तीनों बॉलर बहुत ही लाजवाब फॉर्म में है, ठीक है। रेमोंड सिमंस की बात करते हैं तो 13 रनों का बैटिंग से स्कोर किए थे लेकिन बॉलिंग से विकेट लेस गए थे। अब अगर इनके तरफ से मैं आप लोगों को ओपन डेथ बॉलर की बात बताऊं तो काइल मेयर्स के साथ मुजीबुर रहमान को मान के चल सकते हो, वहीं डेथ में जैसन होल्डर और ओबेड मकोई को आप लोग मान के यहां से चल लेना, ठीक है। बाकी जो खिलाड़ी बेंच पे गए रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहां पे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी खेलने वाले हैं नहीं, अब हो सकता है इस मुकाबले में आप लोगों को कॉर्बिन बोच खेलते हुए देखें, क्योंकि देखिए कितना बेहतर इनका परफॉर्मेंस था अगर ये वन डाउन खेल रहे थे तो, लेकिन फिर टीम ने इनको नीचे किया, फिर इनका परफॉर्मेंस गिर गया, अब पिछले मुकाबले में टीम ने इनको बाहर कर दिया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हो सकता है जोशुआ बिशप के प्लेस पे आप लोगों को खेलते हुए दिख सकते हैं, या तो फिर आजम खान या तो फिर नजीबुल्ला जादरान, ये भी बाहर जा सकते हैं इनमें से कोई, और आप लोगों को कॉर्बिन बोच जो कि बैटिंग और बॉलिंग से भी बैकअप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। बॉलिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप लोग, कॉर्बिन बोच खेले नहीं थे, खेलते हैं तो 1 ओवर की बॉलिंग करते हैं जो कि अच्छी खासी ओवर करते हैं। आप लोग यहां से जैसन होल्डर का नाम मान सकते हो, ओबेड मोकोई का नाम मान के चल सकते हो, बाकी और नीचे से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां से मुजीबुर रहमान का नाम मान के चल सकते हो, ठीक है। बाकी जितने बॉलर हैं आप लोग सबका स्क्रीन शॉट ले लेना, आप लोग खुद भी आराम से एकदम रीड कर सकते हो। तो होप दोस्तों आप लोगों को जो मैंने समझाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। आप लोग और कुछ चाहते हो कि वीडियो में मैं इंक्लूड करूँ तो आप लोग मुझको कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यहाँ से इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो उसके लिए एक
एक लाइक करना। आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आइए ड्रीम इलेवन पे देखते हैं इस मुकाबले से रिलेटेड हमारी क्या कुछ टीम बनकर रेडी हो रही है। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपर ऑप्शन से। सबसे सेफ में आप लोगों को रहमानुल्लाह गुरबाज मिलेंगे जो कि ओपनिंग करना आएंगे। डीवन थॉमस खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी तो इनका कंफर्म भी नहीं है, और खेलेंगे भी तो आई थिंक 5 डाउन खेलने वाले हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो सेफ में सबसे आप लोगों को रहमानुल्लाह गुरबाज मिल रहे हैं। आप लोग अपनी टीम में बिल्कुल आंख बंद करके इन्हीं को ट्राई कर लेना, ठीक है। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से। काइल मेयर, शिमरन हेटमायर और मैंने हेमराज को अपनी टीम में ट्राई किया है। ऑप्शन की बात करते हैं शाई होप का ऑप्शन है। हेमराज के पास थोड़ा सा बॉलिंग से अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो अगर बॉलिंग वगैरह कर देते हैं तो ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आपको 25 से 30 रनों का स्कोर चाहिए तो आप लोग बिल्कुल हेमराज को हटा के शाई होप को अपने टीम में ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हेमराज मेरी टीम में रहने वाले हैं। बाकी और देखो नजबुल्ला जादान वैसे कंसिस्टेंट स्कोरिंग करते हैं, आप लोगों ने एशिया कप में देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग क्रम के अनुसार मैंने अपनी टीम में इनको नहीं प्रेफर किया। बाकी और कोई आप लोगों को सेफ में ऑप्शन दिखेगा भी नहीं। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से। यहाँ पे काफी ज्यादा मुकाबला आप लोगों का फंसेगा। देखिए जैसन होल्डर, शाकिब अल हसन, ये काफी इंपॉर्टेंट पिक है। बिकर 4-4 ओवर की दोनों बॉलिंग करेंगे और बैटिंग से भी बैकअप देंगे, ठीक है। अब देखिए ओडन स्मिथ और रोमारियो शेफर्ड को मैंने टीम में ट्राई किया। अब देखिए ओडन स्मिथ और रोमारियो शेफर्ड के ज्यादा नहीं, आप लोग 2 ही ओवर मान के चलना, ठीक है। अब देखो रोमारियो शेफर्ड ने पिछले मुकाबले में सेम टीम के खिलाफ गुआना मतलब बारबाडोस रॉयल्स के ही खिलाफ गुआना की ये खिलाड़ी 3 विकेट निकाल दिए थे, ठीक है, लेकिन बॉलिंग उससे पहले ये कर रहे थे अच्छी खासी, लेकिन फिर बीच में इनका ओवर कट रहा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बॉलिंग इन्फॉर्मेशन में दिखाया है, अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देखे होगे तो वैसे भी समझे होगे। तो यहाँ से देखिए रोमारियो शेफर्ड ने पिछले मुकाबले में 3 ओवर की बॉलिंग की थी, लेकिन उससे पहले आप देखिए 1 ओवर 2 ओवर ऐसे बॉलिंग कर रहे थे, और पिछले मुकाबले में 3 ओवर की बॉलिंग भी की और उस पर एक और अच्छी बात की 3 विकेट भी इनको मिल गया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब ये परफॉर्मेंस देख के अपनी टीम में ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अलग करना चाहो तो रोमारियो शेफर्ड को ड्रॉप करके रकीम कॉर्नवाल को टीम में ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये ओपनिंग करने आएंगे, ठीक है। और इससे पहले पिछला मुकाबला अगर मैं छोड़ दूं तो आप लोगों को मैंने जैसे कि इनका भी दिखाया है कि ये भी बॉलिंग करते हैं, रकीम कॉर्नवाल का भी दोस्तों देख सकते हो, अगर बॉलिंग करने आ गए तो 3 से 4 ओवर ये बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ मैंने रकीम कॉर्नवाल पे थोड़ा सा ज़्यादा मुझको ट्रस्ट आ रहा है। बाकी आप लोगों का क्या डिसीजन आप लोग ले सकते हो। बाकी ऑप्शन की बात किया जाए तो कॉर्बिन बोच ये खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कीमो पॉल भी पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस दिए थे, आप लोग इनसे भी 2 ओवर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे हैं, अगर 6 ऑलराउंडर लिया जाता तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहते, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से देखो रोमारियो शेफर्ड को ही पिछले मुकाबले के परफॉर्मेंस के बेस पे, लेकिन हो सकता है आप लोगों को इसमें चेंजेस देखने को मिले। तो ऐसे में आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, नहीं तो Cricket2580 भी लिखकर आप लोग यहां पे आ सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से। तो यहां से मैंने देखो ओबेड मकोय, मुजीबुर रहमान, इमरान ताहिर हर मुकाबले में विकेट निकाल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट रहने वाले। बाकी ओबेड मकोय और मुजीबुर रहमान को मैंने टीम में ट्राई किया है, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए सीएफ में कोई दिख भी नहीं रहा है। रेमोंड सेमोंस अगर बारबाडोस रॉयल्स फर्स्ट बॉल करेगी तो आप टीम में ट्राई कर सकते हो, अगर एन यंग खेलेंगे तो इनको भी ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन मुझको लगता है सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही टीम उतरेगी, बिकॉज बहुत ही कह सकते हो इंपॉर्टेंट मुकाबला है। और बात करते हैं यहाँ से देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो फिलहाल शाकिब अल हसन कप्तान, वाइस कैप्टन जैसन होल्डर को मैंने बनाया है। बाकी आप लोग चाहो तो काइल मेयर्स को भी बना सकते हो जो कि ओपनिंग के साथ साथ आप लोगों को 2 से 3 ओवर की बॉलिंग भी करके दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी जैसे कि बताया आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस हो सकता है, मेरा मन है यहाँ पे रकीम कॉर्नवाल को लेने का। अब सी बोच खेलेंगे तो मैं अपनी टीम में उनको भी ट्राई करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो इन सब के लिए आप लोग टेलीग्राम पे प्लीज़ एक्टिव रहना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप लोग आ जाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर देना। बाकी देखो सब्सक्राइबर देखकर प्लीज़ मुझको जज मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ लगभग 6 सालों से मैं ड्रीम इलेवन खेलता हूँ दोस्तों, मैं नया नहीं हूँ इस फील्ड में, ठीक है। तो होप आप लोग बात समझ रहे होगे, बाकी वीडियो को लाइक वगैरह कर ही दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम पे आ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।